हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है जो है 2000 का ना। आज भी यह स्टॉक 4% नीचे ऑलमोस्ट 80 रुपीज 1900 करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे यह स्टॉक 2000 में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था एंड मेरा ऐसा मानना था कि 2000 का लेवल ये नहीं तोड़ेगा, बट जिस तरह का वोलेटिलिटी है इन द मार्केट एंड सारे स्टॉक जो कि इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है, उन सारे स्टॉक में हम एक सेल ऑफ देख रहे हैं, वो बालकृष्ण इंडस्ट्री हो या फिर और जो कंपनी जो फॉरेन में बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते। सो बालकृष्ण इज अ नंबर वन चॉइस इन द टायर सेगमेंट फॉर मी, बट एट दैट मोमेंट स्टॉक नीचे की तरफ है। ऐसा आपको क्या करना चाहिए एट दैट मोमेंट स्टॉक जिस प्राइस पे, फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक को आप अभी से बाई करना शुरू कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी स्टॉक को रिकमेंड किया था एट द रेट ऑफ 2100 एंड तब मैंने आपको यह बोला था कि 2000 के करीब आपको स्टॉक को बाई करना है। 2000 एंड 1800 इज जहां पे आपको स्टॉक को थोड़ा थोड़ा बाई करना है। तो जिन लोगों ने थोड़ा बाई किया 2000 वो अभी थोड़ा बाई करे, 1800 पे जाके और बाई करे। आई डोंट थिंक सो ये 1500 की तरफ जाएगा क्योंकि उतना मार्केट नीचे नहीं जा सकता। आज भी मार्केट ने नीचे की तरफ एक शार्प बाउंस बैक लिया, मार्केट मैक्सिमम 16,800 तक जाएगा। अगर यूक्रेन और रशिया में सब कुछ ठीक रहता है मार्केट बाउंस बैक करेगा, ये स्टॉक देखते ही देखते आपको 2200 एंड 2300 के लेवल पे चला जाएगा, तब आपको स्टॉक में फिर से इस पर्टिकुलर प्राइस को लेने का मौका नहीं मिलेगा। बट ग्लोबल अनसर्टेंसी के कारण अगर मार्केट फॉल होता है तो ये स्टॉक यहाँ से और गिर सकता है। सो डेफिनेटली आपको थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करना है। जिन लोगों ने 25% इन्वेस्टमेंट किया है 2000, वो अभी 25% इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1800 पे और इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका एवरेज होगा। अगर ये स्टॉक 1700 1600 जाता है और इन्वेस्ट कीजिए, सो एवरेज जो प्राइस होगा आपका 1800 हो जाएगा एंड वहां तक स्टॉक शायद ना जाए, ऐसा मेरा मानना है। बट अगर ग्लोबल मार्केट क्रैश होता है तो सारे मार्केट में ही क्रैश डाउन आएगा, सारे स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। बट बालकृष्ण इज अ वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड स्टॉक एंड सभी इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है एंड बहुत सो मार्केट के दिग्गज एनालिस्ट है वो भी स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं एंड इट्स माय पर्सनल फेवरेट स्टॉक। मार्केट कैप जो है 36,791 है, टायर सेक्टर में सबसे दिग्गज कंपनी है बालकृष्ण। लुक एट द प्राइस टू अर्निंग ऑलमोस्ट 25%, इससे आपको बेहतर क्या चाहिए। अगर हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है RSI, MFI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 27.9, यानी स्टॉक क्लियरली ओवरसोल्ड। जो ओवरसोल्ड स्टॉक होते हैं उसमें किसी भी टाइम शॉर्ट कवरिंग या फिर बाउंस बैक आ सकता है। ऑल्दो मार्केट सेंटीमेंट इज स्लो, बट जब इस मार्केट में रिकवरी आएगा ये स्टॉक एक ही दिन में 5-6% भी बढ़ने का पूरा पोटेंशियल लगता है। हालांकि MFI में स्टॉक का स्कोर है 6.9, आई थिंक समथिंग मिस्टेक इज देयर क्योंकि 6.9 इज टू मच। हाँ, डेफिनेटली स्टॉक में बहुत बढ़िया सेल ऑफ हुआ है। अगर आप स्टॉक का वन मंथ हाई देखोगे 2500 एंड 1900 ये स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो चुका है जो कि मोर देन 20% है। वन वीक में भी 2165 से 1900, सो 6.9 जो स्कोर है बहुत ही नीचे का स्कोर है एंड अकॉर्डिंग टू मी ये किसी भी टाइम बाउंस बैक दिखा सकता है, बट सम मिस्टेक्स इज देयर। आई डोंट थिंक सो कि 6.9 इतना नीचे MFI होना चाहिए। हाँ, टेक्निकली 15-18 के रेंज में ये होना चाहिए। अगर हम स्टॉक का रिटर्न की बात करें सो डेफिनेटली आप देख सकते हो वन मंथ हाई लो 600 पॉइंट नीचे गिर गया है, थ्री मंथ का भी लो यही है। सो 1900 स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज इस वीडियो बनाने का मकसद भी एक आपको ये बताना 1800 एंड 1900 कितना बड़ा सपोर्ट है। 2000 वाज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बट लास्ट सिक्स मंथ में भी स्टॉक ने 1900 को ब्रेक नहीं किया, उसी के रेंज में यह स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर बाउंस बैक आता है सो यहीं से बाउंस बैक आएगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट एंड स्टॉक शॉर्ट कवरिंग भी 2300 तक जा भी सकता है। सो डेफिनेटली अभी आपको स्टॉक को बाई करना है। अगर आपने पहले बाई नहीं किया, आपके पास 100 रुपीज है तो इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर स्टॉक, आप 33% अभी लगाइए। जिन लोगों ने 2000 के करीब 25% इन्वेस्ट किया है वो भी अभी 25% इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसका 100-200 सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं देखो 2300, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर बाउंस बैक आता है इसलिए 2300 जाएगा, वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, देन उसको अगर ब्रेक करता है तो 2500 ये स्टॉक आसानी से जा सकता है। कोई स्टॉक अगर वन मंथ में 600 पॉइंट गिर सकता है तो नीचे से 600 पॉइंट बढ़ भी सकता है, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सो एट दैट मोमेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे 2300-2500, सपोर्ट कहाँ पे 1900 सबसे बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे जो सपोर्ट आता है साइकोलॉजिकली वो 1800 आता है। आई डोंट थिंक सो विदाउट एनी रीजन इतना नीचे स्टॉक जाएगा, बट मार्केट वोलेटिलिटी में कुछ भी हो सकता है। ट्रेडर्स के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 1800 ऊपर की तरफ। अगर आपने सेल ऑफ किया है तो 2000 आपका स्टॉप लॉस होगा। हालांकि शॉर्ट करने का मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट जिन लोगों को शॉर्ट करना है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, जिन लोगों को बाय करना है उनके लिए स्टॉप लॉस इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपका हॉरिजन लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली 2-3% किसी भी स्टॉक का एक स्टॉप लॉस हो सकता है। नाउ अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करें सो डेफिनेटली इन द टायर सेगमेंट बालकृष्ण इज द नंबर वन कंपनी आफ्टर MRF एंड अपोलो, यानी MRF एंड अपोलो के ऊपर बालकृष्ण इंडस्ट्री है जिसका
मार्केट कैप 36,000 के ऊपर है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही अट्रैक्टिव है 25 का। उसके बाद जो फेवरेट है अपोलो टायर्स जो भी 200 के करीब है, 200 के करीब ये स्टॉक भी मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा है। सो दो कंपनी जिनको आपको बाय करना है वो बालकृष्ण एंड अपोलो। 70% स्टेक बालकृष्ण में होना चाहिए, 30% अपोलो टायर्स अगर आपको टायर सेगमेंट पे ही इन्वेस्ट करना है। हमारे पास टू एक्सपेंसिव फॉर द नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें सो डेफिनेटली इन द क्वार्टर ऑफ डिसंबर सेल्स उतना नहीं बढ़ा, सेल्स आर रिमेन सेम या फिर फ्लैट कह सकते हो, प्रॉफिट थोड़ा घटा है एंड ड्यू टू रबर प्राइस इंक्रीमेंट एंड डेफिनेटली सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के कारण ऑटोमोबाइल सेल भी थोड़े डाउन थे। सो जिस कारण जो प्रॉफिट है वो घटा है, बट आने वाले टाइम में ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है एंड होप फॉर द बेस्ट। स्टैंड अलोन रिजल्ट में भी आप देख सकते हो 377 करोड़ से 329 करोड़ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट गिरा है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब कंडीशन है, बट डेफिनेटली स्टॉक उससे ज्यादा गिरा है एंड डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे होंगे, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। एंड देखते ही देखते 2500 ये स्टॉक नेक्स्ट 3 महीने में टच कर सकते हैं ऐसा मेरा मानना है। 2500 ना हो 2300 तो जाएगा अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करता है तो। अगर सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आप देख लो सो यू कैन सी प्रोमोटर्स के पास 58% के FI इज वेरी बुलिश, 15% उनके पास है, DI का 11.59% एंड पब्लिक होल्डिंग 15% एंड DII FII रिटेल इन्वेस्टर्स सभी का फेवरेट स्टॉक एंड सभी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। सो डेफिनेटली शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आई होप के 2-3 दिनों में आप देखोगे कि बिजनेस चैनल में आके बहुत सारे एनालिस्ट है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है वो भी स्टॉक को रिकमेंड करेंगे एंड मुझे 1900 में बहुत पावर वाटरिंग लेवल पे लगता है। इट्स अ बिग बिग सपोर्ट जो 6 मंथ का सपोर्ट है एंड इस लेवल पे आपको बाय करना है इस पर्टिकुलर स्टॉक को फॉर ट्रेडर एंड फॉर इन्वेस्टर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन गुड बाय।